संघ प्रदेश दमन दीव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल टंडेल का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने की जानकारी सामने आ रही है। टंडेल ने अभी तक किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन भाजपा में इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया है। 36 सेकंड के इस वीडियो में वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 2 साल पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रही महिला की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सूरत के कांग्रेसी नेता दिनेश काछड़िया को जिस गैंग ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था, इसके पीछे भी वही लोग हो सकते हैं। यही नहीं, ब्लैकमेलरों द्वारा टंडेल से पैसे भी एक लेने की चर्चा थी, लेकिन जब सूरत में दिनेश काछड़िया की शिकायत के बाद आरोपी पकड़े गए तो ये वीडियो भी वायरल हो गया। इस मामले में टंडेल का कहना है कि वो इसकी जाँच करवा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसी के खिलाफ शिकायत करेंगे या नहीं करेंगे। आपको बता दें कि गोपाल टंडेल 2 बार दमनदीप के सांसद भी रह चुके हैं। 1 बार कांग्रेस के टिकट पर और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो जीतने में सफल रहे थे। टंडेल दूसरी बार भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में बताए जा रहे थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल टंडेल दमन के बड़े होटल और शराब कारोबारी है। देवका रोड पर सी दांडे दमन और सी व्यू नाम से 2 होटल चलाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा होटल वो बनवा रहे हैं और इसके अलावा उनका एक होटल निर्माणाधीन भी है। गोपाल टंडेल सिल्वर स्टार डिस्टिलरी के नाम से शराब की एक फैक्ट्री भी चलाते हैं और फिलहाल इनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि वो इसकी शिकायत करते हैं या नहीं करते। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।